हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों गल्फ नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि अगर आप इंडिया से बाहर नौकरी के लिए किसी दूसरे कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कोई इंटरव्यू गया, कोई वैकेंसी गया, दुबई का हो या फिर सऊदी अरब का हो या फिर कुवैत का हो या फिर ओमान का हो, कहीं दूसरे कंट्री का हो इंडिया को छोड़ के, तो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, सीवी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, मतलब किस वे में आप सीवी को सजाओगे, किस वे में आप प्रेजेंट करोगे अपने सीवी को, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कैसा आपका सीवी होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसमें फिर भी अगर डाउट हो कि मैं नहीं समझ पाया या फिर हो सकता है मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा सही से, है ना, तो आप मेरे को कॉमेंट में या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उस पर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो एनी टाइम कभी भी। तो पहला, अगर आप इंडिया से बाहर के लिए कोई भी देश के लिए अगर आप सीवी बनाना चाहते हो तो उसमें आपको साइड में टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो है फोटो होनी चाहिए, वो 110% उस पर होनी ही चाहिए। उसके बाद एक ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि वो आपका हमेशा ऑन रहे, जैसे कोई लोग होते हैं कि दूसरा ईमेल आईडी देते हैं जो कि बंद हो गया हो या फिर कुछ भी, वैसा नहीं आपको देना है। और दो दो ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर उसमें देना है, एक आप अपना पर्सनल दे सकते हो, दूसरे आप अपने फैमिली का दे सकते हो। ओके, दो कॉन्टेक्ट नंबर आप उसमें दे सकते हो और एड्रेस वगैरह जो भी आप उसमें लिखेंगे वही एड्रेस लिखेंगे जो आपके पासपोर्ट में है। ओके, आप पासपोर्ट जिस एड्रेस पर बनाए होंगे वही एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। और नेम तो आपको पता ही है, जो आपके पासपोर्ट में, जो आपके डिग्री में, जो आपके सर्टिफिकेट में होगा वही आपको पासपोर्ट नाम देना है वहां पे। ओके, उसके बाद सेकेंड जो कॉलम बनेगा वो आपका एजुकेशन का, यानी क्वालिफिकेशन जो भी आपके अंदर होगा, जो भी आपने किया होगा 10th 12th जो भी किया होगा वो। उसके बाद आपको टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल डिग्री जैसे डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, उसके बाद आपका जो भी हो इंस्पेक्टर का आपने कोर्स कर रखा है, कोई भी आप अगर अलग कोर्स कर रखे हो टेक्निकल में, जैसे कैड कैम भी आ जाता है टेक्निकल में, अगर आप वो कर रखे हो तो वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद उसके नीचे जो कॉलम आएगा, उसके नीचे ये कॉलम आएगा कि आपने कहाँ कहाँ जॉब किया है, पहले नंबर से उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस कंपनी का नाम, आप अपना डेजिग्नेशन, आपका वहां पे डेजिग्नेशन क्या था, आप मतलब एज अ क्या काम कर रहे थे, सुपरवाइजर काम कर रहे थे, फोरमैन काम कर रहे थे, इंजीनियर एज अ जो काम कर रहे थे वो। उसके बाद टाइम पीरियड, कब से कब तक आपने वहां पे जॉब किया। ओके, मतलब 2016 से 2018 तक, 2019 से 2020 तक, ऐसे आप लिख सकते हो। सेकेंड, उसके बाद दूसरी कंपनी में अगर आपने जॉब किया होगा वो नाम, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, आपका डेजिग्नेशन देना है और आपने कब से कब तक किया है वो देना है। ठीक है, ऐसे करते करते जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपको जो देना है वो देना है, एक अलग से कॉलम बनता है विदेश वालों के लिए, जो मतलब इंडिया से बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें एक अलग से कॉलम बनता है नीचे जिसमें पासपोर्ट नंबर, ओके, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड जहां से वो वेरीफाई हुआ है, जहां से वो आपको मिला है, जैसे हेड ब्रांच का नाम वहां से, ठीक है, जिसने मतलब जिस स्टेट से, जैसे कि आप अगर यूपी से हो तो आपको ये गोरखपुर से आपको हुआ है तो आप गोरखपुर का एड्रेस वहां दे सकते हो, मतलब कहां से वो पासपोर्ट इशू हुआ है उस जगह का नाम। ठीक है, अगर आप बिहार से हो तो पटना का दे सकते हो, अगर आपने लखनऊ से करवाया तो वहां का दे सकते हो, आपने चेन्नई से करवाया तो वहां का दे सकते हो, असम का करवाया वहां का दे सकते हो, जहां से पासपोर्ट इशू हुआ है वहां का डेट। ओके, वो आपने दे दिया। उसके बाद अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो गल्फ के एक्सपीरियंस के लिए एक अलग कॉलम बनाना, इंडिया के एक्सपीरियंस का एक अलग कॉलम रहेगा और गल्फ के एक्सपीरियंस के लिए एक अलग कॉलम रहेगा। ठीक है, उस कॉलम में आप जो है आप दे सकते हैं गल्फ का एक्सपीरियंस। उसके नीचे आप अपना वो रिस्पेक्टफुली ये सब कर देना। उसके बाद आप नीचे
आप अपना पूरा एड्रेस, नाम और एक जगह प्लेस और एक जगह सिग्नेचर का आप ये करके आप वहां पे सबमिट कर सकते हो। अगर दोस्तों फिर भी अगर आपको डाउट है आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपको अपना सीवी आपको मैं सेंड कर देगा कि किस तरीके से होना चाहिए, मैं आपको पूरी मदद करेगा। आप मैं अपने नीचे व्हाट्सअप लिंक दे दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर दे दे रहा हूँ, आप जिस पे भी जो भी आपको मतलब मन हो कमेंट में भी आप कर सकते हो, आप अपना मोबाइल नंबर दे देना, मैं उस पर मैसेज कर दूंगा। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मेरे को बताना, ठीक है? और अगर इसमें कोई गलती हुई या फिर कुछ छूट गया होगा वो भी आप मेरे को बताना, मैं उसको दूर करूंगा। ओके, थैंक यू।